ऐसी संख्या का भाग कैसे करेंगे? हम 7465 को हम 5 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास सिर्फ एक अंक है और ये हमारे पास 7465 जो संख्या दी गई है, तो जो यह संख्या होती है इसको हम भाजक बोलते हैं, या भाजा होती है, और यहाँ हमारा क्या आता है भागफल, और नीचे अगर कोई संख्या बचती है तो उसे हम शेष फल बोलते हैं। तो चलो हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ एक अंक है तो इसमें हम एक अंक उठाते हैं, एक अंक हमारे पास इसमें कितना है 7 है। तो सबसे पहले भाग करने का नियम क्या होता है, या तो जिसका हम पाड़ा पढ़ते हैं वो संख्या, ये वाली संख्या उस टेबल के अंदर होनी चाहिए, या फिर उसे छोटी संख्या इसके नीचे हम डालते हैं। तो 5 के टेबल में 7 नहीं होते हैं, तो हम 5 का हमें पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 एक अलग पड़ेंगे हम, 5 एकम 5, इसमें इसको हम माइनस करते हैं तो 7 में से अगर हम 5 घटाते हैं हमारे पास 2 बचता है। ऊपर की संख्या हम 4 को नीचे उतारते हैं, अब संख्या हमारे पास हो चुकी है 24। अब 5 का पाड़ा फिर हम फिर पढ़ेंगे, तो 5 का पाड़ा, 5 के पाड़े में 24 नहीं होते, तो 5 का पाड़ा पढ़ने में 5 चौके कितना होता है 20 होता है, 20। अब इसमें से हम माइनस करते 4 बचते, ऊपर की संख्या हम 6 को नीचे उतारते, अब संख्या हमारे पास हो चुकी है 46। 5 के टेबल में 46 नहीं होते हैं, तो 5 का पाड़ा हमें 9 अलग पढ़ना पड़ेगा, 5 नेम कितने होते हैं 45, इसमें इसको माइनस करते 1 बचता है हमारे पास यहाँ 0। उस अगली संख्या 5 है, इसको हम नीचे उतारेंगे। अब 5 की टेबल में हम देखते हैं 15 होते कि नहीं होते, तो 5 की टेबल में हम 15 होते हैं, लेकिन कहाँ अलग पड़ते हैं 3 अलग पड़ते हैं, तो 5 3 कितने होते हैं 15, इसमें इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 बचती है। तो इस प्रकार आप दोस्तों भाग करना सीख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस कर जरूर देखना, आप जरूर कामयाब होगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।